हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड की 15 ऐसी संगीन और ख़तरनाक धाराओं के बारे में बताऊंगा जिनकी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए ताकि वो उन धाराओं का शिकार नहीं हो। क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति या कोई मुजरिम इनमें से किसी एक धारा का भी शिकार हो जाता है तो उसका पूरा जीवन जेल में, थाने में या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में निकल जाता है। तो दोस्तों, हर व्यक्ति को इन धाराओं के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि वो अपना बचाव कर सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियोज़ के अपडेट आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आईपीसी की 15 ऐसी खतरनाक और संगीन धाराएं जिनके बारे में हर एक नागरिक को जानकारी होना ज़रूरी है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले बात आती है सेक्शन 302 यानी कि मर्डर की धारा होती है। हम सभी इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं और ये बहुत ही कॉमन धारा है जो अक्सर जो है आईपीसी में कमिट की जाती है। तो मैं इसमें बताऊं आपको कि इसमें क्या पनिशमेंट है, इसमें डेथ की पनिशमेंट है और या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन। तो इसमें या तो डेथ की पनिशमेंट है या उम्र कैद की इसमें सज़ा है और फाइन है और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि ये संज्ञेय अपराध है और इसका जो सेशन जो कोर्ट ट्रायल चलता है वो सेशन ट्रायल चलता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। उसके बाद सेक्शन आता है, ये जितनी भी धाराएं हैं ये सब मैं आपको जो है ह्यूमन बॉडी से रिलेटिव जो रिलेटिंग धाराएं हैं वो बता रहा हूँ, यानी कि जो सेक्शंस रिलेटिंग टू ह्यूमन बॉडी मानव शरीर से जुड़ी हुई जो धाराएं लगती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें दूसरी धारा है सेक्शन 303, ये बहुत कम यूज़ में आती है, बहुत कम सुनने को मिलती है लेकिन हमें जानना ज़रूरी है। इसका जो मतलब है कि मर्डर बाय ए पर्सन अंडर सेंटेंस टू ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उम्र कैद की सज़ा काट रहा है और वो बाहर आकर कोई मर्डर कर दे दूसरा तो तब जो है उस पर सेक्शन 303 लगती है और इसमें सीधे जो है डेथ पेनल्टी लगती है, इसमें और कोई सेंटेंस नहीं है और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेशन के द्वारा ट्रायलेबल है। तीसरा सेक्शन दोस्तों है 304, ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर इफ़ एक्ट बाय विच द डेथ इज़ कॉज्ड इज़ डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, लेकिन अगर इसमें इंटेंशन किसी व्यक्ति की मृत्यु करना है, किसी व्यक्ति की हत्या करना है तब ये सेक्शन 304 लगती है और इसमें भी जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इसमें सेंटेंस है और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है या 10 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन हो सकता है इसमें साथ में और ये भी कॉग्निजेबल है और सेशन के द्वारा ट्रायबल है। अब बात आती है सेक्शन 305, ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड कमिटेड बाय चाइल्ड और इंसेन और डेरिलियस पर्सन और एन इडियट और ए पर्सन इंटॉक्सिकेटेड, ये 305 की धारा है। ये जो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना, जो कोई व्यक्ति कोई बच्चा करता है या कोई इंसेन व्यक्ति करता है या इम्बैलेंस्ड व्यक्ति करता है, कोई पागल व्यक्ति करता है जो मेंटली अपसेट है और ए पर्सन इंटॉक्सिकेटेड और या किसी व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ है उस व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाया जाता है, तो ये सेक्शन 305 इसमें लगती है और इसमें जो इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है वो डेथ है
यानी कि डेथ सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, या तो इसमें जो हत्या की सज़ा मिलती है या इसमें डेथ की सज़ा मिलती है या इसमें उम्र कैद की सज़ा मिलती है या 10 साल तक का कारावास जो है इसमें झेलना पड़ सकता है। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये भी सेशन के द्वारा ट्रायबल है, यानी कि यह मजिस्ट्रेट या जज के ट्रायबल में नहीं है, ये सेशन के द्वारा इनका ट्रायल लिया जाता है। उसके बाद आती है सेक्शन 306 यानी कि अबेटिंग द कमीशन ऑफ सुसाइड। ये भी बहुत ही कॉमन धारा है, यानी कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, उसको मजबूर करना, इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और फाइन भी है साथ में। उसके बाद 307 आती है, ये बहुत कॉमनली यूज होती है लड़ाई झगड़े के केसेस में, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी की हत्या का प्रयास करना, वहाँ पर 307 लगती है। इसमें भी 10 साल का की सज़ा का प्रावधान है और इसके साथ फाइन भी है और ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उसके बाद 313 ये हमें कम सुनने को मिलती है, कॉजिंग मिस कैरिज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, जब हम किसी महिला के गर्भ का मिस कैरिज करते हैं बिना महिला की स्वीकृति के, तब ये 313 की धारा लगती है। इसमें भी उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है या इसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन भी हो सकता है इसमें। और ये ये जो है ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेशन ट्रायल है। उसके बाद बात आती है 326 जो कि लड़ाई झगड़े के केसेस में यह धारा लगती है, वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हार्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, डेंजरस वेपन्स यानी कि खतरनाक हथियारों या दूसरे जो है चीज़ों से किसी को ग्रीवियसली हर्ट करना जानबूझकर, वहाँ पर 326 लगती है। इसमें जो सज़ा का प्रावधान है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद तक की सज़ा या 10 साल तक की सज़ा और फाइन साथ में इसमें लगता है। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेशन के द्वारा इसका ट्रायल किया जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों 326 है, ये बाद में इंसर्ट की गई जब एसिड अटैक के बहुत सारे केसेस मामले सामने आए, लड़कियों पर एसिड फेंके जाने लगा, तो तब सेक्शन 326 ए बनाई गई, यानी कि वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड एट्सेट्रा, यानी कि एसिड अटैक के केसेस में ये 326 ए की धारा लगती है और इसमें 10 साल से कम की सज़ा का प्रावधान नहीं है, लेकिन ये उम्र कैद तक भी बढ़ सकता है और इसमें फाइन भी है जो कि विक्टिम को पे करना पड़ेगा आरोपी के द्वारा, और ये भी सेशन ट्रायल है। उसके बाद बात आती है दोस्तों 363 धारा यानी कि किडनैपिंग, जब हम किसी का अपहरण कर लेते हैं तो 363 की धारा लगती है। इसमें 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और उसके साथ फाइन भी है। ये जो है ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में ये जो केस है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा भी ट्रायलेबल है, यानी कि जो JMIC हैं वो भी इसको ट्राई में ले सकते हैं। और उसके बाद सेक्शन 364 यानी कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, यानी कि किसी की हत्या करने के मकसद से किसी का अपहरण करना या उसको जो है अपने इलीगल कब्जे में लेना, ये वहाँ पर 364 लगती है और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है यानी कि उम्र कैद तक की सज़ा का प्रावधान है या 10 साल की सश्रम कारावास यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट इसमें हो सकती है और साथ में इसमें फाइन भी है। उसके बाद आती है धारा 370 की यानी कि ट्रैफिकिंग ऑफ ए पर्सन यानी कि मानव तस्करी, जब हम किसी व्यक्ति की तस्करी करते हैं उसको अपने फ़ायदे के लिए कहीं और पहुंचा देते हैं, तो वहां पर 370 की धारा लगती है।
इसमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान नहीं है, जो कि बढ़कर 10 साल तक हो सकती है, और इसमें जो है साथ में फाइन भी लगता है। इसके बाद बात आती है 372 की सेक्शन की, यानी कि सेलिंग और लेटिंग टू हायर ए पर्सन टू हायर ए माइनर फॉर पर्पजेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, जब वेश्यावृत्ति के लिए किसी माइनर बच्ची का 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 जो है उसको बेचा जाता है या उसको हायर करवाया जाता है, तब ये सेक्शन लगती है 372, और इसमें 10 साल तक की सज़ा है और साथ में जुर्माना भी है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और सेशन के द्वारा इसमें ट्रायल होता है। इसके बाद बहुत कॉमन यूज़ होती है एक धारा 376, यानी कि रेप की धारा। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए निर्भया रेप कांड के बाद दिल्ली के, और अब इसमें जो है इसका एम्बिट बहुत बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर 376 मेन की बात करें तो इसमें जो पनिशमेंट है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, तो 10 साल से कम की सज़ा का इसमें प्रावधान नहीं है, बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन वो उम्र कैद में भी जो है उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, और साथ में वो फाइन भी देना होगा उसमें। इसके बाद अब बात आती है सेक्शन 392, यानी कि रॉबरी। ये रॉबरी है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन, इसमें 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और साथ में फाइन भी है। ये भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ये भी जो है नॉन अवेलेबल है, और सेशन के द्वारा इसका ट्रायल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों और भी बहुत सारी धाराएं हैं जो बहुत ही संगीन हैं, जिनमें 7 साल से ऊपर तक की सज़ा का प्रावधान है। तो मोटे तौर पर मैंने आपको 15 ऐसी धाराएं बताई जो बहुत ही खतरनाक हैं, उनमें जो जहां तक सेंटेंस की बात होती है, और जो है उनमें जो एक बार आदमी अगर उसमें किसी धारा में इसमें से फंस जाता है तो उसके लिए बचाव करना बेहद मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें इन धाराओं की जानकारी होनी चाहिए ताकि हम अपनों का भी बचाव करें और अपना भी बचाव करें और दूसरों को भी हम इस